तो दोस्तों, अगर आप 18 साल के हो चुके हो या कुछ मंथ्स में 18 साल के होने वाले हो, तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बना लेने चाहिए, जिसमें सबसे पहला पैन कार्ड। 18 साल के होते ही आपको पैन कार्ड बना लेना चाहिए, क्योंकि आपका पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट और बहुत सारी चीज़ों से लिंक होता है। इसके अलावा अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हो तो वहाँ पर पैन कार्ड मैंडेटरी होता है। ड्राइविंग लाइसेंस, वैसे तो टू व्हीलर का लाइसेंस 16 साल की उम्र में ही मिल जाता है, लेकिन अगर आपको फोर व्हीलर का लाइसेंस चाहिए तो आपको 18 साल होना ज़रूरी है, लेकिन अगर फोर व्हीलर का ट्रांसपोर्ट चाहिए तो उसके लिए 20 साल की उम्र ज़रूरी होती है। वोटर आईडी, वोट देना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और ये राइट तभी यूज़ हो सकता है जब आपके पास वोटर आईडी है, तो वोटर आईडी ज़रूर बना लें। नंबर 4, पासपोर्ट दो तरह का होता है, एक होता है माइनर और एक होता है टीनेजर पासपोर्ट। तो माइनर 18 साल से कम वालों का होता है, तो माइनर वाला नहीं, आपको अपना टीनेजर पासपोर्ट बनाना है जब आप 18 साल के हो जाओ। और 5, बैंक अकाउंट वो स्कूल वाला स्कॉलरशिप का आपका बैंक अकाउंट नहीं, बल्कि आपका खुद का अपना पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, जो 18 साल कम्प्लीट होने के बाद आपको बनाया जाता है, जिसमें पैन कार्ड दिया जाता है। तो आपके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट, ये एक डिजिटल अकाउंट होता है, लोग जिसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे को डबल करते हैं, सेविंग करते हैं। ये अकाउंट आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने आए हुए पैसे को उसमें इन्वेस्ट कर सके और फ्यूचर में इसका फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा आप अगर 18 साल के हो जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, जैसे कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, अगर आपको अपना नाम पसंद है अपना नाम चेंज कर सकते हो, और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो।